तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो यार गाइस, आज हम लोग माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं, पार्ट टू है गाइस। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो जल्दी से जाके देखा हो, क्योंकि उसमें हमने बड़ी मस्ती की थी और पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया था भाई। और गाइस हाँ, मैंने ना जो घर बनाया था उसको मैंने अभी कम्प्लीट भी कर लिया, तो मैं आपको कम्प्लीटेड घर दिखाती हूँ, ठीक है। हमने आधा छोड़ दिया था, तो मैं आपको पूरा कम्प्लीट कर दिखाती हूँ। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, वर्ल्ड जनरेट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो अभी मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। ये रहा मेरा पूरा घर, पर इसकी अभी तक मैंने छत जो है वो कंप्लीट नहीं की। इसको भी हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट कर ही लेंगे। और भाई खाना बनकर देखो, आपको कैसा लग रहा है गाइस, सच्चे सच्चे बताना यार, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, जल्द सब्सक्राइब कर दो। एंड या तो इसके अंदर चलते हैं। और गाइस हाँ, मैंने पूरा बॉडी आर्मर बना लिया आयरन से। मैंने वो वीडियो मतलब मुझे सड़कों पे, मुझे माइन के अंदर नहीं जाना पड़ा, मुझे सड़कों पे मतलब ये जो ग्रास ब्लॉक्स है यहाँ पे, मतलब स्टोन वाला एक बायोम आता था उस पर मुझे प्लेटफॉर्म पे पूरा इतना सारा मतलब आयरन मिल जाता था। मुझे माइन के अंदर जाने कोई मतलब कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और कॉपर भी मिला है मुझे ढेर। और इधर मैंने पेड़ भी लगा दिए हैं ताकि मुझे बार बार नीचे ना जाना पड़े। मैंने पूरा माउंटेन भी अपना यार बसेरा बसा लिया है। तो अंदर चलते हैं जल्द से। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चेस्ट है और मेरा बेड भी है। रिस्पॉन पर सेट है ना, सेट है भाई। तो जल्दी से इधर आप लोग देख सकते हो, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 10 आयरन बचा है, 7 मेरे पास है इधर। इसको स्मेल्ट कर देते भाई। इसको स्मेल्ट करना ना, मतलब स्मेल्ट करो यार, क्या है यार, ये अलग ही इनके लॉजिक आ गए हैं। तो रात हो रही है, जल्द से उतरें चल के। भाई पूरा आसमान दिख रहा है यार, क्या मतलब क्या किया मैंने, बस ऊपर से पूरा आसमान दिख रहा है यार, बेकार। और अभी ये स्मेल्ट हो रहा है, कितना स्मेल्ट हो गया, बस दो ही हुए यार। एंड मैंने आपको अभी तक अपना आयरन का आर्मर नहीं दिखाया। मेरे पास सोर्ड भी है आयरन की और पिकेक्स भी है। तो आज मैं हो सकता है माइनिंग करने चलूँ और मज़ा भी करेंगे भाई। एंड शील्ड मैंने बनाई थी ना, शील्ड नहीं बनाई मैंने, हाँ शील्ड नहीं बनाई क्योंकि मेरे पास मतलब वुड नहीं थी तब। एंड अब वुड आ चुकी हूँ, अब वुड आ चुकी है तो अब टेंशन की बात नहीं है। तो बस एक आयरन चाहिए हमें यहाँ से। अभी तक तो स्मेल्ट हो गया होगा, नहीं हुआ, अभी भी दो बचे हैं। मैं दे चलो क्राफ्ट करते हैं, ठीक है हमारे पास आ चुकी शील्ड, इसको इक्विप करते हैं। भाई पहन भाई, ठीक है शील्ड को पहन लेते हैं। एंड पहन ली हमने शील्ड। और गाइस साइड में मैं शॉर्टर भी दे रही हूँ, ठीक है। स्पाइडर, स्पाइडर क्या कर रही है, मार दिया मैंने स्पाइडर को, गुड। एंड मैंने इस पूरे पहाड़ को अभी तक चेकआउट नहीं किया है भाई। तो मेरे पास वुड है, मैंने ये वुड इसीलिए जमा की थी ताकि मैं इसको कंप्लीट कर सकूं। तो अभी हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, लेट्स गो। फिलहाल तो इसी आम वुड से काम चलाना पड़ेगा, फिर बाद में देखते हैं यार डिज़ाइनिंग का भी। अभी तो फ़िलहाल शेल्टर तो हो हमारे पास, खुला आसमान है, खुले आसमान के नीचे सोती हूँ। बारिश वारिश हो गई तो मसला बनेगा, वैसे माइनक्राफ्ट में कोई मसला नहीं बनता, पर यू नो मुझे लगा ये वुड इनफ होगी भाई, 28 वुड थी, उसमें से एक यूज़ भी कर ली मैंने, मतलब कमी वुड थी यार वो तो मुझे पता है। अब और जमा करते हैं, और क्या भाई, नीचे चलते हैं जमा करते हैं। हेलो लामास, क्या बोरिंग काम है यार,
और हाँ, जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रही थी वो है वो प्लेटफॉर्म, दिखाती हूँ। ये देख रहे हो आप प्लेटफॉर्म, उस पर थोड़ा आयरन और है। और यार अब टाइमिंग भी कम हो गई, मतलब सुबह की, मतलब माइका में अब बहुत जल्दी रात हो जाती है यार, मतलब क्या। एंड मेरे पास एक स्पेयर प्लीज़ बेड होना चाहिए। नो स्पेयर, अच्छा स्पेयर बेड तो है भाई, मैंने बोला नहीं है। तो आगे को चलते हैं और ये चलते हैं, जल्दी से इसको कलेक्ट करते हैं। भाई लेट्स गो, जल्दी जल्दी इसको तोड़ते हैं भाई, यार क्या बोरिंग काम है। कलेक्ट हो जा भाई, स्टिंग को फेंक देते, क्या काम है भाई बेकार। मैं बोलूँ तब से कलेक्ट क्यों नहीं हो रहा। एंड भाई यार कितना काम करना पड़ता है। अच्छा हम ना अपने आगे रख लेते हैं, फ्रंट पे रख लेते हैं बेड को, ताकि जैसे रात हो हमारे पास कम से कम बेड तो हो यार, क्योंकि ज़ॉम्बीज अब ज़्यादा डेंजरस हो चुके हैं। लाइक द फेस। एंड मैंने ना यहाँ कहीं केव देखी, आई हैव सीन अ केव हियर। वेयर इज द केव? ओ येरी केव, भाई केव। हेलो मुर्गी, भटक ना जाऊँ कहीं यार। अभी नहीं, अभी मैं टॉर्च लेके आती हूँ। और ज़ॉम्बी चाचा तो आ भी चुके हैं। नहीं 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 भागो भाई, मैं नहीं, मैंने नहीं पंगा लेना। अच्छा तेरे को तो मैं बताती हूँ, मेरे से पंगा लेगा इसमें, हम चलते हैं, सब्र करो चलते हैं भाई। इसकी तो शामत मैं बताती हूँ, इसको सारे मरेंगे आज। गुस्सा आ गया मुझे अब भाई, आराम से आई हूँ यार, आने दो भाई, मेहमान बन के आई हूँ, थोड़ी थोड़ी मेहमान नवाजी करो। नहीं मारना है उसको, भाई फूड भी ले लेते, कमी हो रही है। यार इन्वेंटरी खाली करके आना चाहिए थी, पर यार इतनी जल्दी फुल कैसे होगी मेरी इन्वेंटरी, अभी तो गेम शुरू हुई है। अभी नहीं वैसे दो दिन, मतलब ऑफ वीडियो मैंने इसको इतना खेल लिया, मतलब गेम्स को मैं ऑफ वीडियो खेलना पसंद करती हूँ, मेरे से मतलब रहा नहीं जाता यार गेम्स को खेले बगैर, मतलब क्या बोलूँ यार। अब भाई केव पे केव है, केव पे केव है, बट इतनी अजीब केव क्यों है? पहले एंट्रेंस पे ही ऐसा दिखा दोगे, इतनी गंदी केव होने वाली है भाई। मतलब पहले जो केव्स होती थी पूरी खुली होती थी, आराम से अंदर से होके भी आ जाती मैं, इतनी मतलब छोटी सी होती। ये अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा, एंट्रेंस से आपको नहीं पता चलने वाला कि कितना, मतलब भाई कितना इसको मतलब होने वाला है, कितनी बड़ी होने वाली है, आपको ये अंदाज़ा भी नहीं हो सकता। ठीक है, बाहर से भले छोटी लगे, अंदर से बड़ी बड़ी बहुत बड़ी होगी भाई, मुझे पता है ना। बस यार क्या करूँ, गई भी नहीं हूँ फिर भी मुझे पता है। यही तो कमाल है यार, यही तो कमाल है, मतलब मेरा कमाल। ओह स्नोफॉल, या लेट्स गो। अभी ये सिर्फ माउंटेन में हो रही है क्या? सच में हो रही है, इस इलाके में हो रही है। व्हाट, इधर आई हूँ, इधर नहीं हो रही, उधर हो रही है। अच्छा माउंटेन इसलिए हो रही है, देखो। वाओ यार क्या मैजिक है, क्या मैजिक है माइनक्राफ्ट का, मतलब थोड़ा लॉजिक तो लगाओ। माउंटेन भी हो रही है, पीछे नहीं हो रही यार, शायद बताऊँ क्या, माउंटेन्स ऊपर होते तो यहाँ पे ना माउंटेन्स पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, पता नहीं रियल में भी होती है कि नहीं, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि बर्फ़ ज़रूर जम जाती है उन पर। यार जल्दी चलते हूँ, लेट्स गो। एंड या आगे हम, ये गोट मेरे घर में कैसे घुसी, तेरे को तो मैं मारूं, मेरे घर में कैसे घुसी? ओ भाई क्या लग रहा है यार, आई डोंट वांट टू स्लीप भाई, आई डोंट वांट टू स्लीप। अरे जान अंदर, यस गोट मेरे घर में आ गई, अब तू निकल नहीं सकती। मेरे घर में आ तो गई पर निकल नहीं सकती, असल में दरवाज़ा खुला छोड़ा था ना, मैं भी बेवकूफ हूँ, दरवाजे खुले छोड़ के आ जाती हूँ। ओह जम गई बर्फ़, यार क्या मज़ा है।
वाओ, देखो बर्फ़ जम रही है, दोबारा से आ रही है बर्फ़। आई लाइक इट। रात नहीं हुई, ओके इन्वेंटरी खाली करते हैं। स्नो मेरे पास कर क्या रही है, मुझे ये बात नहीं समझ आई, बताइए मैं क्या कर रही हूँ स्नो को लेके। पूरी चेस्ट मेरी स्नो से भरी हुई है। आई थिंक सो इसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए स्नो ब्लॉक्स में, ठीक है इसको कन्वर्ट करते हैं स्नो ब्लॉक्स में, जितनी भी होगी उससे बन जाएगा भाई, जल्दी से इसको बना लेते हैं भाई, जितनी भी है सारों की ये बना दो इतनी सी बस, ओके ठीक है और आ गई। एंड और ले लेते हैं, हो गया अब रात हो रही है, क्योंकि मुझे मतलब इतना हो गया ना, इतनी मतलब जल्दी रात हो जाती है, क्या बोलूँ भाई, जल्दी बनना, ओके रात हो गई भाई, सोना चाहिए मुझे, लेट्स स्लीप। ठीक है काम तो मैंने बड़ा सही कर लिया है। एंड काम क्या किया भाई, मैं जो काम था वो तो किया ही नहीं, इसको वुड में कन्वर्ट करते हैं। एंड मुझे अपने घर की छत कंप्लीट करनी है भाई, पर बाहर अभी नहीं निकलेंगे क्योंकि आई न्यू दैट ज़ॉम्बीज़ आर आउटसाइड एंड दे विल हार्म मी, सो आई हैव टू बी केयरफुल। एंड मेरा ट्री ग्रो हो चुका है, ओह इसके ऊपर बर्फ़ जम चुकी है, व्हाट ऐसा भी होता है, वाओ अब मेरी हंगर ना जल्दी से जल्दी कम होने लग पड़ी है। छत पे भी मतलब जम चुकी है यार, वाओ जस्ट वाओ। किसने मारा मुझे, ये मारती है क्या, किसने मारा मुझे,